हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुभव। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 309 इन सीएससी 2023। माय ऑप्शनल वाज सिविल इंजीनियरिंग एंड आई एम हेयर टू शेयर माय स्ट्रेटजी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो सिविल इंजीनियरिंग, पहली बात की क्यों मैंने लिया, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा। सिविल इंजीनियरिंग के साथ एक कौन है सबसे बड़ा, इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है और इसमें स्कोर करना भी रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है अभी के मार्किंग के हिसाब से, क्योंकि इस साल सिविल इंजीनियरिंग में 300 से ऊपर किसी का भी स्कोर नहीं आया है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग लेने का एक मैं जो प्रो बताऊंगा आपको, कि सबसे पहले ये आपको बैकअप देता है। सिविल इंजीनियर अगर आप हैं, सिविल इंजीनियरिंग अगर ऑप्शनल आप ले रहे हैं, तो आप बाकी एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम और गेट एग्ज़ाम। मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम में भी 17th रैंक हासिल किया था, गेट में भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 66 थी। तो सिविल इंजीनियरिंग आपको एक जॉब सिक्योरिटी देता है, जिसकी वजह से आप अपनी प्रिपरेशन एक फ्री माइंड से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि सिविल इंजीनियरिंग में मार्क्स है, जो मैं बता रहा हूँ कि 300 इस बार नहीं आ पाया है, तो ये हर साल ऐसा नहीं होता है, कभी कभार इसमें ज़्यादा मार्क्स भी आते हैं, तो इसका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। तो इसके ऊपर मैं डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर जितना मुझे नॉलेज है मैं उस हिसाब से मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप सिर्फ मेरी बातों को ना सुनें, आप खुद भी इस चीज़ को एनालाइज करें, क्योंकि मुझे भी इस एग्ज़ाम का पूरा आइडिया नहीं है, काफ़ी लिमिटेड व्यू ही है, तो ही मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में अब मैं बताऊँगा कि इसको प्रिपेयर कैसे करें, स्टार्ट से लेके एंड तक। तो सिविल इंजीनियरिंग जिन्होंने कॉलेज में ढंग से पढ़ा है, उनके लिए मैं बोलूँगा कि कोचिंग लेना ऑप्शनल है। अगर वो लें तब भी सही है, ना लें तब भी कोई बात नहीं है, वो अपना प्रिपेयर कर सकते हैं अपने नोट्स, या उनके नोट्स जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और जिन्होंने कॉलेज में अच्छे से नहीं पढ़ा है और जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे RCC स्ट्रक्चरल जैसे सब्जेक्ट्स में, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो कोचिंग ले लें, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पर इसके ज़्यादा ट्यूटोरियल्स अवेलेबल नहीं हैं जितना मुझे नॉलेज है। तो फेज़ वन वही है कि आप अपने बेसिक सारे सब्जेक्ट्स को एक बार कवर करें, सब पे नोट्स बना लें। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि नोट्स बनाते टाइम ही PYQ जितना वो कर सकें वो कर लें, जो बच जाएगा वो बाद में करेंगे, पर जितना हो, जैसे इन्वॉर्मेंट वो पढ़ रहे हैं तो इन्वॉर्मेंट के जितने PYQ हैं मोस्टली, तो नोट्स बनाते टाइम ही कवर करने की कोशिश करें, उसी फॉर्म में वो नोट्स बनाएं हर टॉपिक के बाद। ये हो गया फेज़ वन। और फेज़ टू में मैं यही बोलूँगा कि जब सिलेबस वो पूरा कवर कर लें, तो सारे नोट्स को शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बना लें, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। एक एक सब्जेक्ट की कॉपी 400 पेज की होती है, जैसे सॉयल जियोटेक का ही 400 पेज का नोट्स है, इन्वायरमेंट का 400 पेज का नोट्स है, तो आप 2-3 हज़ार पेज पढ़ के आप नहीं जा सकते हैं एग्ज़ाम देने। तो सारे सब्जेक्ट के आपके पास 20-30-40 पेज के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और इन शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूले होने चाहिए, कहाँ चीज़ें आप गलत करते हैं, स्टेप्स होनी चाहिए, जो टेस्ट में आपने गलत करा है, जो PYQ में चीज़ें बार बार आप मिस्टेक कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप उसमें डालने की कोशिश करें। और इसके बाद नोट्स बनाने के बाद मैं उनको बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और टेस्ट दें। टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेस्ट के आप 3 घंटे में पेपर ख़त्म नहीं कर पाएंगे। स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, और उसका सबसे बेस्ट तरीका टेस्ट देना है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। और सिविल इंजीनियरिंग का एक फ़ायदा है कि इसमें अपने टेस्ट को आप खुद भी इवेल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली पेपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, खास करके पेपर 1, उसमें आप खुद से इवेल्यूएट कर सकते हैं और जज कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस, जो कि बाकी ऑप्शनल में डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होते हैं। टेस्ट को मैं बोलूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, टेस्ट को अपनी स्पीड और एक्यूरेसी चेक करने के लिए ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, और अपना बेसिक सोर्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस PYQ को रखें, PYQ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। जिनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, जो कॉलेज में है या जिन्होंने जस्ट स्टार्ट करा है, उनके पास 1 साल से ज़्यादा टाइम है, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज, तीनों के ही PYQ जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकें कंप्लीट करने की कोशिश करें। जिनके पास लिमिटेड टाइम है, वो कम से कम सिविल सर्विसेज के सारे PYQ तो ज़रूर ही कवर कर लें। और पेपर 2 की तरफ चलते हैं। पेपर 2 लो स्कोरिंग होता है जनरली, क्योंकि उसमें थ्योरी का पार्ट हैवी होता है, थ्योरी में मार्किंग भी रिलेटिवली लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू पेपर 1, और थ्योरी में क्वेश्चंस भी थोड़े फ्रिंज एरियाज से आते हैं, जो काफ़ी स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है, उन्होंने कवर नहीं किया हुआ होता है। तो उन एरियाज को जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, जो पुराने हैं उनको काफ़ी आइडिया हो जाता है। तो नए स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगा
कि कम से कम वो सारे पीवाई क्यू सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज के जरूर कर लें, उनके ऊपर नोट्स बना लें, उनको याद कर लें, क्योंकि टॉपिक्स किसी न किसी फॉर्म में रिपीट कर रहे होते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल का एक फ़ायदा ये है कि इसमें आप जैसे जैसे पुराने होते हो कंफर्ट इसमें काफ़ी बेटर होते जाता है। स्टार्टिंग में सिलेबस काफ़ी वास्ट लगता है, जीएस के साथ बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है, पर एक बार आप जब प्रिपेयर्ड कर चुके हो अच्छे से, एक आध बार मेंस लिख चुके हो या अच्छे से टेस्ट लगा चुके हो, तो सिविल इंजीनियरिंग 15-20 दिन में भी आप इसमें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस ला सकते हो वापस से। इसका मेजर कारण यही है कि जो टॉपिक्स हैं और जो एरियाज हैं वो PYQ से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होते हैं, तो उसमें आप 10-15 दिन प्रैक्टिस करके कुछ टेस्ट लगा के अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके कंफर्ट बिल्ड कर सकते हो। और सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में उस डे आप कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि पेपर वन में अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा नहीं है, आपने मिस्टेक्स कर दिए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसका पनिशमेंट आपको हार्श मिलेगा मार्क्स के फॉर्म में, क्योंकि पेपर वन में मुझे जहाँ तक मेरी जो नॉलेज है एक्यूरेसी को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जाता है एज कम्पेयर टू स्टेप मार्किंग। तो जितना आपका आंसर करेक्ट आंसर आएगा उतने मार्क्स आपके ज़्यादा आएंगे, तो इसके लिए प्रैक्टिस पे वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उनकी एक्यूरेसी बेटर होती जाएगी। और लास्टली यही मैं बोलूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग को रेगुलर बेसिस पे करने की कोशिश करें, छूट जाने पे इसमें कॉन्फिडेंस काफ़ी चला जाता है। तो प्रीलिम्स के पहले मैं बोलूँगा कि कुछ दिन छोड़ दें, एक आध महीना डेढ़ महीना, पर इसको जितना कंटिन्यू कर सके, भले ही रोज़ एक घंटा ही आप टाइम दे रहे हों, तो वो आपको बेनिफिशियल होगा आपके लिए, आपको एक कॉन्फिडेंस दे रहा होगा कि हाँ सिविल इंजीनियरिंग में मैं एक लेवल के ऊपर तो परफॉर्म कर लूँगा। और सिविल इंजीनियरिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि आप जीएस के साथ इसको बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो सिविल इंजीनियरिंग को आप जीएस के साथ बैलेंस करने के लिए यही कर सकते हैं कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, और उसको 1.5-2 घंटा आप रेगुलर दे रहे हैं तो जीएस के साथ एक इसका अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ढंग से प्रिपेयर ही नहीं किया है, मैं उनको बोलूँगा कि कम से कम हाफ डे, अपना हाफ टाइम जो आप प्रिपरेशन को दे रहे हो ऑप्शनल की तरफ दो। तो फाइनली मैं कंक्लूड यही करूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल से फ्रस्ट्रेट नहीं हो, स्टार्टिंग में मैं भी काफ़ी हुआ था, इसका सिलेबस बड़ा है इस चलते, जो कि ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट के एग्ज़ाम क्लियर नहीं किए हुए हैं उनके लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। पर मैं ही बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा इस ऑप्शनल को टाइम दें, एक टाइम के बाद बहुत अच्छा इसमें कम्फर्ट बिल्ड हो जाएगा। तो फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक द प्लेटफॉर्म ऑफ TKT फॉर लेटिंग मी शेयर माई स्ट्रेटजी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।